हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ यहाँ पे प्रेजेंट है ऑल न्यू हीरो एक्सट्रीम 160R का डार्क एडिशन, जो कि स्टिल्थ एडिशन के नाम से लॉन्च हुआ है। और फ्रेंड्स, बाइक जो है वो फाइनली अवेलेबल हो चुकी है आज, इसका हम आपको राइड रिव्यू देने वाले हैं। और अगर हम बात करते हैं इसके प्राइसिंग की, तो एक शोरूम 1,16,600 समथिंग के अप्रॉक्स में मिलेगा, ऑन रोड 1,40,000 के रुपीज़ में के अप्रॉक्स में जाएगा। लाइट्स जो है वो काफ़ी प्रीमियम लग रही है इस बार, LED में DRLs आपको मिल रहा है, LED में ही लाइट्स मिलता है, हाई बीम लो बीम। इंडिकेटर्स आप देख सकते हैं, अभी हज़ार लाइट हमने ऑन कर रखा है, आपको मिल जाता है। तो चलिए इसे हम राइड करते हैं, आपको एक छोटा सा राइड रिव्यू अभी देने वाले हैं। बाकी आप लुक्स देख लीजिए बाइक का, साइड से काफ़ी अच्छा लग रहा है। यहाँ एक्सट्रीम स्टिल्थ की बैजिंग आपको मिल जाती है, 3D लोगो है और रेड कलर में एक्स मिलता है। यहाँ पे 160R की बैजिंग मिल जाती है। तो आप बताएं कि आपको बाइक जो है वो कैसी लग रही है ओवरऑल में देखने में। यहाँ पे मीटर जो है वो अब चेंज कर दिया गया है, आपको गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर के साथ साथ आपको ब्राइटनेस एडजस्ट करने का ऑप्शन मिलता है। आप देख सकते हैं, अभी मैं आपको दिखा देता हूँ एडजस्ट करके। अभी 100% यहाँ आपको दिख रहा होगा, ये जो है ये 100 लिख रहा है, उसके बाद ये अभी 80 हो गया है, उसके बाद 60, 40 और लास्ट 20 आपको मिलेगा। तो आप इसे यूजेस के हिसाब से यहाँ पे अपना जो है वो सेट कर सकते हैं। और जब आप सनी राइड कर रहे हैं, मतलब ऐसे वेदर में राइड कर रहे हैं धूप में, तो आप 100% पे राइड कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे मीटर जो है वो गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर के साथ आ रहा है, चार्जिंग आपको यहाँ मिल जा रहा है, ये आप देख पा रहे होंगे। तो आप चार्ज भी कर सकते हैं फ़ोन को ऑन द गो, अगर आप एक मोबाइल होल्डर लगा लेते हैं तो आप चार्ज कर पाएंगे। यहाँ पर हैजार्ड लाइट का स्विच है। एग्जॉस्ट नोट मैं आपको सुना देता हूँ, तो काफ़ी अच्छा एग्जॉस्ट नोट आपको मिल जाता है। इंजन का साउंड आप सुन सकते हैं, काफ़ी साइलेंट इंजन भी आपको कंपनी ऑफर कर रही है। और ओवरऑल में बाइक का लुक्स का ओवरव्यू आपने ले लिया है। तो चलिए अब राइड करते हैं, यहाँ से हम निकलते हैं, आपको दिखाते हैं कि बाइक जो चलाने में कैसी लगती है। तो सबसे पहले हम इसका आपको एक छोटा सा भी रिव्यू देंगे, बस की चलाने में बाइक कैसी है, कुछ चेंज आया है या नहीं। बाकी बाइक का पहले भी राइड रिव्यू आप मैंने कर दिया है, आप उसे भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। और गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर जो है वो काफ़ी अच्छे से वर्क करता है। अभी सेकंड गियर पे हम बाइक को राइड कर रहे हैं और इंडिकेट भी कर रहा है सेकंड गियर यहाँ पे। तो चलिए बाइक को थोड़ा सा पुल करते हैं। तो बाइक जो है वो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा चल रहा है, मतलब अगर राइड क्वालिटी का आप बात करते हैं तो राइडिंग में यहाँ पे मतलब कुछ भी मेजर में चेंज नहीं आया है। इंजन जो है वो सेम है, परफॉर्मेंस भी सेम है, बस यहाँ जो मीटर है वो काफ़ी अच्छे से विजिबल है धूप में। आप देख सकते हैं, अभी हमने 100% ब्राइटनेस पे कर रखा है, तो काफ़ी अच्छे से विजिबल हो जा रहा है। यहाँ पे आपको हज़ार लाइट का जो स्विच है वो आपको मिल रहा है, तो आप हाईवेज़ पर चाहें तो इसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको पास लाइट का स्विच मिल जाता है इस साइड में, और हाई बीम लो बीम का यहाँ पर। हॉर्न मैंने आपको सुना ही दिया था, एक बार आप और सुन लीजिए। तो नॉर्मल फ्रेंड्स आपको हॉर्न मिलता है, कोई यहाँ पे आपको मतलब हाई फाई हॉर्न नहीं मिलता, सिंगल हॉर्न कंपनी प्रोवाइड कर रही है। तो बजट के हिसाब से अगर आप कंफर्ट देखते हैं, तो मैं बिल्कुल ही अपराइट बैठा हुआ हूँ और पैर भी जो है वो मेरा काफ़ी अच्छे से अट जाता है। तो अगर आपकी हाइट 5 फीट 5 इंच से लेकर 5 फीट 8-9 इंच के बीच में है, तो आप इजीली इसे राइड कर पाएंगे। रहा बात पिलियन के कंफर्ट का, तो हम पूछ लेते हैं, हमारे साथ पिलियन भी है, कैसा है कंफर्ट बाबा? कंफर्ट अच्छा है, कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम। कुछ दिक्कत हो रहा है बैक पेन वगैरह कुछ? ग्रैब्रेल तो इंस्टॉल होने के बाद तो और कंफर्ट मिलेगा, कंफर्टेबल है, पूरा कंफर्टेबल लग रहा है ना। कोई किसी तरह का कोई दिक्कत नहीं ना, अनकम्फर्ट नहीं ना लग रहा है, मतलब अगर लॉन्ग राइड चाहे तो कर सकता है इससे। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे पिलियन ने भी अपना जो है वो रिव्यू दे दिया। अगर आप मुझसे पूछते हैं, तो टैंक जो है वो यहाँ पे काफ़ी अच्छे ढंग से कंपनी ने दिया है, पैर जो है वो टकिन हो जाता है पूरी तरह से, आप देख सकते हैं। और टैंक जो है ऊपर से काफ़ी मस्कुलर लग रहा है यहाँ पे, और स्पेशली ये जो कलर है ना, ये काफ़ी प्रीमियम लग रहा है इस बार। तो ओवरऑल में फ्रेंड्स, एक ये अच्छा ऑप्शन बन जाता है 160cc सेगमेंट में। काफ़ी लोगों का कंप्लेन था कि गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर नहीं मिल रहा है, तो वो फ्रेंड्स इस बार कंपनी ने ऐड कर दिया है। बाकी मीटर की विजिबिलिटी भी अच्छी है, तो आप चाहें तो फ्रेंड्स यहाँ पे अपना मतलब जो है इसे आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। और ओवरऑल में लुक्स काफ़ी अच्छा है, राइड क्वालिटी भी अच्छा है। ब्रेकिंग परफॉर्मेंस की अगर हम बात करते हैं, तो ब्रेक्स भी आपको अच्छा मिल जाता है, सिंगल चैनल ABS के साथ आता है। और रेयर में जो कंपनी ने यहाँ पे मोनोसॉक्स दिया है ना, उसके कारण जो आपको मतलब एक कम्फर्ट होता है ना हायर स्पीड्स पर, वो काफ़ी अच्छा मिल जाता है, आपको कॉन्फिडेंस मिलता है राइड करने के टाइम पर, बाइक जो है वो वॉबल नहीं करती है। और फ्रंट में भी जो आपको टेलीस्कोपिक फोक्स मिल रहा है, वो काफ़ी मतलब अच्छे साइज़ का मिल रहा है, पतला नहीं है, तो वो भी एक आपको अच्छा कॉन्फिडेंस प्रोवाइड कर देता है।
ओवरऑल में बाइक का जो रिस्पांस है वो अच्छा है, ब्रेक से लेकर के यहाँ पे हैंडलिंग तक का। बाकी अगर हम माइलेज की बात कर लेते हैं तो माइलेज फ्रेंड्स ये आपको 40 से 50 के बीच में ईजिली ऑफर कर देगा। अगर आप अच्छे से राइड करेंगे और टाइम टू टाइम इसकी सर्विसिंग करवाते रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा। बाकी अगर आप चाहें फ्रेंड्स तो आप देख सकते हैं अभी हम थर्ड गियर में राइड कर रहे हैं, 20 के भी स्पीड में अभी हम राइड कर रहे हैं, बट बाइक जो है एक जरा भी मतलब स्ट्रगल नहीं कर रही है, डाउन शिफ्ट करने को नहीं बोल रही है, तो ये एक अच्छा पॉइंट है। मतलब आप चाहें तो ईजिली बाइक का जो है यहाँ पर बिना गियर चेंज किए भी आप ट्रैफिक्स में यहाँ पर राइड कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आप थोड़ा सा बोल रहा है, बाकी आप यहाँ पे मतलब अगर चाहें तो कम स्पीड में भी बाइक को ईजिली राइड कर सकते हैं। बाइक जो है अच्छे से पुल यहाँ पे मतलब पिकअप जो है वो गेन कर लेता है। तो ये एक छोटा सा राइड रिव्यू था फ्रेंड्स इस बाइक का। बाकी इसका डिटेल रिव्यू आप हमारे चैनल पर चेकआउट कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा, उसमें मैंने डिटेल्स में बताया है कि चेंजेस क्या क्या एग्जैक्टली आया है। तो हम स्पेशल थैंक्स बोलना चाहेंगे शांति हीरो का जिन्होंने ये बाइक हमें प्रोवाइड किया है। तो अगर आप गिरिडीह एरिया से बिलोंग करते हैं तो आप फ्रेंड्स यहाँ शांति हीरो में आकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपसे हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आई एम सत्यम गुप्ता साइनिंग ऑफ। थैंक यू फ्रेंड्स।